नमस्कार, टीवी अंग प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं मिलन गुंजन। इसमें हम मौजूद हैं भागलपुर के समीक्षा भवन में, जहां नए नगर निकाय चुनाव में जो इस बार चुनाव जीत कर आए हैं उन लोगों ने शपथ ग्रहण किया है। हमारे साथ हैं संजय सिन्हा जी, बताइए शपथ ग्रहण आज आप लोगों का हो गया। शपथ ग्रहण तो हम लोगों का सारे पार्षदों का हुआ है और 16 तारीख के बाद हम लोग नगर निगम जाएंगे, जैसा कि महापौर महोदया ने आज सबको संबोधित करने के क्रम में कहा कि 16 तारीख बढ़िया दिन है, मुहूर्त बढ़िया है, 16 तारीख को नगर निगम के कार्यभार को संभालेंगे। क्या प्राथमिकता होगी अब संजय जी? विकास के मुद्दे पर सारे पार्षद जीत के आए हैं, सिर्फ विकास ही हम लोगों का काम है कि शहर का विकास हो। अब प्रत्येक वार्ड का विकास अगर ठीक ढंग से होता है तो स्वाभाविक है कि पूरे शहर का विकास होगा। इसी संदर्भ में हम लोग सब विकास की ओर आगे बढ़ेंगे, विकास को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आइए कुछ और पार्षद हैं, बताइए इस बार मुस्कुरा रही है तो शपथ ग्रहण हो गया आपका? जी सर, शपथ ग्रहण हो गया और सर बस मेरा भी यही है कि अपना शहर के लिए विकास करें और जितना हो सके, पिछली बार जो भी विकास कमी रहा है वो मैंने पूरा कर इस बार पूरा विकास करें अपना शहर में, विकास करें। बबीता जी आइए, बहुत पीछे आप जी। नमस्कार, हम तीसरी बार आए हैं, विकास लेकिन विकास तो पूरा कर ही रहे हैं और जो बचा है वो पूरा विकास करना, पूरा विकास करें जी अपने वार्ड के लिए। बताइए आप, हम भी विकास का पूरा काम सही करे हैं और पूरा करेंगे जो बाकी है। अब मेयर आ गई आपकी, पूरा बहुमत से सुन करके लोगों ने मत दिया है। हाँ। क्या लगता है काम अधिक हो पाएगा इस बार? अब हाँ हो पाएगा, जरूर होगा। जनता चुन कर लाए हैं तो जरूर काम पूरा करेंगे, पूरा होगा। जनता चुनकर लाई है तो पूरा मेयर को चुनकर लाई तो काम तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इस बार मेयर सेवा के साथ हम लोग मिलकर अपना पूरा शहर का विकास करेंगे। चलिए और हमारे साथ कुछ जी बताइए, कैसे देख रहे हैं इस बार शपथ ग्रहण हो गया है लोगों का? जी इस बार खुल करके काम होगा, जो भी पिछले बार का जो आधा अधूरा काम है उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा और काम इस बार खुल करके होगा। कोई काम इस बार खुल करके होगा। ये कुछ और पार्षद हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण किया, बताइए क्या प्राथमिकता इस बार अब आपकी? शपथ ग्रहण भी हो गया आप लोगों का, शपथ ग्रहण विकास करेंगे और जो कमी है पहली मरते उठे हैं, जो कमी है वो पूरा करेंगे। और क्या करना चाहेंगे अपनी वार्ड की जनता से? वार्ड की जनता से शुक्रिया करना चाहते हैं। शुक्रिया। क्या काम होगा ना? हाँ काम तो पूरा करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करेंगे। आइए कुछ और पार्षद बताइए, हमारे वार्ड में जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगी, दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। शपथ ग्रहण करने के बाद अब अपने वार्ड की जनता से क्या कहेंगे? अपने वार्ड की जनता से धन्यवाद। धन्यवाद जी। काम विकास का होगा ना? जी जी जरूर। देखिए सभी पार्षदों का साफ साफ कहना है कि इस बार अब विकास के मुद्दे पर इन्होंने चुनाव जीता है और विकास ही करेंगी। और ठीक हमारे कैमरे के पीछे आपको लगातार सुबोध दिखा रहे हैं कि देखिए पार्षद अब लगातार शपथ ग्रहण करने के बाद वापस लौट रहे हैं धीरे धीरे, और उनके जो समर्थक हैं वो बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि गेट के बाहर खड़े हैं। और ये पार्षद समीक्षा भवन, भागलपुर के समीक्षा भवन से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पार्षद हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है वो शपथ ग्रहण करने के बाद अब धीरे धीरे गेट से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। उनके समर्थक भी लगातार बहुत उत्साहित हैं और समर्थक लगातार उनके गेट के बाहर जमा हो गए हैं। महापौर, उप महापौर और सभी पार्षदों ने आज शपथ ग्रहण लिया है। भागलपुर के जिला पदाधिकारी ने इन सभी पार्षदों को, मेयर को और डिप्टी मेयर को शपथ दिलाया है। हमारे साथ अभी मौजूद है गुड्डू दुबे जी, बताइए एक बार फिर से शपथ ग्रहण अब हो गया, क्या कहेंगे आप अब शपथ ग्रहण के बाद? काम होगा ना विकास का? एकदम विकास का काम होगा, तीव्र गति से होगा, जो भी रुका हुआ काम है सब तेज गति में काम होगा। गुड्डू जी आप बहुत लंबे अरसे से नगर निगम में हैं और इस बार चुनाव में जो मेयर की उम्मीदवार हैं वो जनता के वोट से चुन के आई हैं, कितना लगता है कि अब काम और अधिक हो पाएगा आप लोगों को? अच्छा अधिक विकास होगा, वो प्रस्ताव वाला जो होता था वो विश्वास वाला वो नहीं होगा सब लोग का, और क्योंकि जनता जिता के भेजी है तो विकास करेगी डॉक्टर वसुंधरा लाल। इससे खुश हैं आप लोग? एकदम हम लोग खुश हैं, बहुत उम्मीद है इनसे, ये विकास करेगी, विकास करेंगी। आइए विजय शाह जी हैं, अब शपथ ग्रहण भी हो गया। विजय जी आप बहुत लगे हुए थे चुनाव के शुरू में ही, और जो अभी वर्तमान में मेयर पहली बार जो जनता के वोट से चुन के आई हैं उनके समर्थन में आप जबरदस्त मेहनत की है और आज फला फला दिख रहा है कि वो शपथ ग्रहण करें। निश्चित रूप से
जो अब जनता से के द्वारा जो चुनकर मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद लोग जो आए हैं, और अब जो निगेटिव बातें होती थी अब वो नहीं होगी। अब नेपाल नहीं घुमाया जाएगा पार्षदों को, वहाँ पर वो जो मुजराएं होती थी वो सब नहीं होना होगा। अब जनता का दायित्व का निवाह अब हमारे प्रतिनिधित्व को करना होगा। जनता भी सजग है, जनता जिस आशा के साथ जिताने का काम किया है उसी आशा के साथ उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि भागलपुर का चमुखी विकास हो। जिस मजबूती के साथ आप चुनाव से पहले उनके समर्थन में, वसुंधरा लाल जी के समर्थन में लगे रहे, अब जनता के दुख दर्द को समझने की बारी आ गई है, क्योंकि अब उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया, तो क्या अब भी आप उसी मजबूती के साथ लगे रहेंगे या फिर बीच वाला रास्ता? निश्चित रूप से हम मेयर साहब से हमारी बैठकें हुई है और उनको हम समय समय पर सलाह भी देते रहे हैं और देते रहेंगे। आने वाला इनका जो 5 साल तक है, हम चट्टान एकता के साथ जिस तरह से जनता वोट दिया है, जनता भी इनके साथ लगा रहेगा और ये विश्वास के साथ कि आप उनका मान सम्मान को रखेंगे। तो विकास होगा ना विजय जी? जी जरूर, निश्चित रूप से तो विकास होगा। ये कह रहे हैं विजय साजी, जो लगातार मेयर के चुनाव के समय में इन्होंने वसुंधरा लाल के समर्थन में जम करके मेहनत की थी, मशक्कत की थी, और कई लोग आप देख रहे हैं कि जो तमाम ये गाड़ियां निकल रही हैं, ये मेयर, डिप्टी मेयर जो आज शपथ ग्रहण करने के लिए आए हैं, उनके समर्थन में ये तमाम लोग हैं। कुछ और समर्थक हैं हमारे जो बाहर जमा हुए हैं, बात करते हैं सीधे। जी बताइए, इस बार अब तो शपथ ग्रहण हो गया? जी निश्चित तौर पर शपथ ग्रहण हो गया, और हम लोग अपने तरफ से नव नियुक्त महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल जी को बधाई देते हैं और भागलपुर के उज्जवल विकास के लिए शुभकामना और बधाई देते हैं। भागलपुर के लोगों का काम अब होगा ना? निश्चित तौर पर आप देखिएगा, भागलपुर में खुद पर खुद डॉक्टर वसुंधरा लाल जी नहीं बोलेंगी, उनका काम बोलेगा। वसुंधरा लाल जी नहीं बोलेंगी, उनका काम बोलेगा। कुछ और समर्थक हैं हमारे साथ, आइए सीधे हम आपको उनके पास लिए चलते हैं, और आप सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई समर्थक यहाँ पर जुटे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर वसुंधरा लाल के पति हैं और डॉक्टर बिहारी लाल, अब सीधे जानते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट, बहुत निश्चिंतता का भाव अब होगा डॉक्टर साहब? बिल्कुल, शहरवासियों की जो इच्छा थी आज पूरी हो गई। आप एक डॉक्टर भी हैं और इस शहर के दर्द को आपने बहुत करीब से देखा भी है, क्या लग रहा है कि अब जनता के उस दुख दर्द से थोड़ी सी कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी? अब तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर वसुंधरा इसके लिए प्रयत्नशील रहेंगी और जितना सुधार हो सकता है उससे अधिक मेहनत करेंगी, और हमको लगता है परिवर्तन महसूस किया जाएगा पब्लिक के द्वारा। आप कितने खुश हैं डॉक्टर साहब, आपकी पत्नी बन गई है शहर की पहली नागरिक, जनता के वोट ने चुना है, कोई ऐसे नहीं कि कुछ 10 लोगों ने मिलकर चुन लिया, भागलपुर की आम आवाम ने उन्हें चुन करके मेयर बनाया है, आपकी पत्नी अब मेयर बन गई, पहली नागरिक हो गई शहर की। ये तो जनता मालिक है, जनता जिसे चाहेगी उसको ताज पहनाएगी, और हमको लगता है कि जनता ने सही निर्णय लिया है और सही प्रत्याशी का चयन किया है, और मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं निश्चित रूप से, अब तो मेरे लिए निश्चिंता की नहीं, अब मुझे अब मेहनत करने के लिए बेचैनी है वो आ गई है, और मैं समझता हूं कि इसमें मैं पूरा प्रयत्न रहूंगा और मैं सदा मॉरल सपोर्ट दूंगा, ताकि बीच बीच में, ताकि वो जो है वो इस काम को बखूबी निभा सके। आप कितने खुश हैं अब? बिल्कुल, ये बयान नहीं किया जा सकता, ये बयान नहीं किया जा सकता। देखिए इनके मुस्कुराहट साफ बता रही। कुछ और उनके समर्थक हैं, मंतोष कापरी जी, अब आप भी बड़े राजनीतिकार की भूमिका में आए थे इस बार मेयर के चुनाव में, जीत हासिल हो गई, अब शपथ ग्रहण भी हो गया। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, ना रणनीतिकार हूँ ना कोई बाहुबली हूँ। जनता से मैंने आग्रह किया था सही चुने, नेक चुने और नेक शहर बनावे, और जनता ने पूरा सहयोग किया, आज हम महापौर। जैसे मेहनत किए थे चुनाव के समय में, अब जनता के उस दुख दर्द को कैसे निजात मिलेगी, उसके लिए भी मेहनत जारी रहेगा कि अब यहीं? बिल्कुल जारी रहेगा और सतत जारी रहेगा, ये पक्का वादा कर रहे हैं? पक्का वादा है, लगे रहिएगा ना जनता? बस बिल्कुल, जनता के सभी मांगों को हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे और दिन रात एक कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे जनता के मांगों को पूरा करने के लिए। कुछ और लोग हमारे साथ, जी बताइए, अब शपथ ग्रहण भी हो गया नरेश शाह जी? जी सर, चुनाव से पहले भी हमने आपसे चर्चा की थी, आपने कहा था कि भारी मतों से जीतेंगे, जीत भी हो गई, अब शपथ ग्रहण भी हो गया, अब काम होगा ना जनता का? बहुत ज्यादा काम होगा, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर का पेशा ही होता है लोगों का सेवा करना,
और इतने दिन से वसुंधरा जी सेवा कर रही हैं लोगों का, इसलिए उनके जेहन में, उनके मस्तिष्क में सेवा की भाव है। तो जिस आदमी का जैसा नेचर होता है, तो कल वो अपने क्लिनिक में सेवा देती थी, आज पूरा भागलपुर के शहर के अंदर सेवा देगी। और मुझे पूरा उम्मीद है कि भागलपुर का कायाकल्प हर चीज में बदलेगी, सूरत बदलेगी। भागलपुर का कायाकल्प होगा और सूरत भी बदलेगी। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग, भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा है समीक्षा भवन के बाहर। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भागलपुर के समीक्षा भवन के बाहर से, जहां आज नव नियुक्त जो मेयर हैं, उनका, डिप्टी मेयर का और उनके साथ साथ जो तमाम पार्षद हैं, उन लोगों का, कुछ महिला समर्थक भी हैं। बताइए क्या कहेंगे, अब तो शपथ ग्रहण हो गया। बिल्कुल, हम लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि हम लोग की जो खुशी है बरकरार रखे, मैडम बहुत अच्छे से काम करें, भागलपुर का विकास करें और हमारी सारी उम्मीदों को पूरा करें। आप शुरू से डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ लगी हुई थी, उनके कैंपेन में हमने देखा आपको, कई जबरदस्त तरीके से आप उनके साये की तरह साथ चल रही थी। क्या लग रहा है, चुनाव में जीत के बाद भी अब भागलपुर की जनता को राहत मिलेगी, काम होगा? बहुत बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, क्यों नहीं, क्योंकि उसी उम्मीद के साथ हम लोग मैडम के साथ लगे हुए थे कि मैडम को काम करना है, वो काम करने के लिए आई है और भागलपुर की जनता का ख्याल भी रखेगी अच्छे से और काम भी अच्छे से होगा, विकास भी अच्छे से होगा। आप लोग काम के लिए भी उनके साथ डटे रहिएगा ना? बिल्कुल, शुरू से अंत तक एकदम लगे रहेंगे मैडम के साथ। नाम बता दीजिए अपना। वंदना। ये वंदना जी थी, समर्थक है वसुंधरा लाल की। आइए कुछ और महिलाएं हमारे साथ। जी बताइए, अब तो डॉक्टर साहब ने ले लिया है जी, बिल्कुल, और वो जनता के उम्मीदों पे पूरी तरह खड़ी उतरेंगी। उन्होंने जो भी वादा किया है अपनी जनता से, सबको वो पूरा करेंगी, सबको पूरा करेंगी। आइए कुछ और समर्थक हैं, बताइए आप। बहुत सबसे पहले बात की टीवी अंग प्रदेश को मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और एक शेर के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि नूरे हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन, जिस पर हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। तो जीत ये भागलपुर नगर निगम की जनता की जीत है, अब नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ विकास। नो बकवास, अब सिर्फ और सिर्फ विकास, ये मुद्दा रहेगा। और आइए अब सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर वसुंधरा लाल ने मेयर पद का जो शपथ है वो ले लिया है, ओथ लेने के बाद वो सीधे बाहर निकल रही हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम लोग हैं वो लगातार कैमरे में कैद करना चाहते हैं और सबका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। और पहली प्रतिक्रिया भागलपुर के प्रथम नागरिक की, पहली प्रतिक्रिया जी बताइए, अब तो शपथ ग्रहण हो गया मैडम, क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ, मेरे टीम में जो उपमेयर हैं प्रोफेसर सलाउद्दीन साहब और मेरे जितने पार्षद हैं, सब लोग हम लोग मिल के बहुत खुश हैं, बहुत तत्पर हैं कि शहर को हम लोग कुछ देंगे और सब लोग इतने अभी खुश नजर आ रहे हैं कि हम लोग को, सब लोग को मिल के काम करना है और इस शहर को कुछ देना है। शहर जब तक बीमार था, अब क्या लग रहा है, डॉक्टर के हाथ में कमान आ गई, अब इलाज होगा समुचित? पहले क्या था उसकी तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ये मैं आपको पूरी तन्मयता से बता रही हूँ कि हम लोग जो भी करेंगे आप लोग का भी उसमें सहयोग चाहिए, पूरी जनता को हमें का सहयोग चाहिए और ये शहर फिर दिखेगा कि हाँ इस बार जो आए हैं, जो भी टीम आई है वो शहर के लिए क्या कर रही है। जनता एक बार फिर से आपके उस बात को जानना चाहती है, सुनना चाहती है। आपने ओथ ले लिया, शपथ ले लिया, शहर की पहली नागरिक चुनी गई है, क्या अब जनता ये विश्वास करे, ये मान ले कि अब भागलपुर में उनके दुख दर्द को समझने वाला आ गया है कोई? जनता जिस विश्वास के साथ मुझे यहाँ लाई है, मैं उनके विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी और मेरे साथ इतने लोग हैं, उप मुख्य पार्षद से लेकर के जितने भी पार्षद हैं, इतनी बड़ी टीम है मेरी, तो मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग मिल के जनता के विश्वास पे पूरी तरह से खड़े उतरेंगे। जनता को उनके दुख दर्द से निजात मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप धैर्य रखें, तुरंत में कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम लोग सब पे काम करेंगे और आप देखेंगे कि हाँ इस शहर का बहुत विकास हो रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हमारा शहर सुंदर दिखे, जैसे भी हो वो दिखने में सुंदर लगे, लगे कि कहीं पे कचरा नहीं है, कहीं पे गंदगी नहीं है, तो सबसे पहले मैं उस पर काम करूँ। टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से अब आप भागलपुर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी ओथ लेने के बाद? मैं टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी कि आप जिस विश्वास के साथ मुझे इस पद पे आसीन किए हैं, मैं आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ूंगी, आपको बहुत 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 धन्यवाद,
टीवी अंक प्रदेश के माध्यम से। थैंक यू, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी भागलपुर की प्रथम नागरिक डॉक्टर वसुंधरा लाल, जो साफ साफ शब्दों में कह रही थी कि अब लोगों को विकास देखने को मिलेगा और हर क्षेत्र में काम होगा। थोड़ा समय भी देना होगा, लेकिन सबसे पहले शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाना उनकी प्राथमिकता है। और जिस तरह से जनता ने जो भरोसा उन पे जताया है, जनता के उस तरह के उन भरोसों पर वो खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। जबरदस्त भीड़ आप देख सकते हैं कि लोग तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और भारी भीड़ है यहाँ पर, जो उनके समर्थक हैं, मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षदों के। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल शहर की पहली नागरिक चुन ली गई है और उनका फूल और मालाओं से स्वागत अभिनंदन उनके तमाम समर्थक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग उनका स्वागत समीक्षा भवन के मुख्य गेट पर कर रहे हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, आज मौजूद हैं। और आप सीधी तस्वीरों में देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से, ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। और जहां शहर की प्रथम नागरिक भागलपुर की मेयर जनता के वोट से चुनी गई डॉक्टर वसुंधरा लाल ने शपथ ग्रहण कर लिया है, ओथ ले लिया है। और ओथ लेने के बाद उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि यहाँ की आम जनता को अब वो चीजें देखने को मिलेगी जिस भरोसे के साथ उन्होंने चुना है, जनता ने चुना है उन्हें। और हमारे साथ अब सीधे ओथ लेने के बाद मौजूद है डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन साहब, डिप्टी मेयर। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आपको टीवी अंग प्रदेश की तरफ से। आपका अब वोट ले लिया है, आपने क्या कहेंगे जनता को? जनता जिस भरोसे से भेजी है उस भरोसे पर मैं पूरा उतरने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, ईश्वर से कामना करूंगा कि जनता ने जो भेजा है तो हम उस पर खरे साबित हो। पहली बार सर इस तरह का ये सरकार का फैसला था कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आम लोग करेंगे और आपने कहा था कि अब आप चुनाव के मैदान में आपने उतरने का तब मन बनाया। अब क्या लगता है कि जो शहर में दुख दर्द आपने झेला, अब उन लोगों को उससे निजात मिलेगी? एकदम मिलना चाहिए। जिस इरादे से आए हैं, बहुत सारी काम नहीं हो पाती थी पहले का, जो सरकार ने जो आज जनता के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर को चुना तो बहुत बड़ी ताकत दी है। पहले वो पार्षद के अधीन हो जाते थे और टाइम टू टाइम उनको नो कॉन्फिडेंस का एक झटका लगता रहता था, तो वो झटका तो दूर कर दिया गया कि आपको 220 का करंट नहीं लगने वाला, 440 का करंट नहीं लगेगा और आप खुश होकर के वो काम कर सकते हैं। तो ये ऐसी उम्मीद है कि और सारे पार्षद भी जो आए हैं यहाँ तो वो कुछ करने के लिए अपने वार्ड में आए हैं और बहुत अच्छा ये रहा है। तो हमें उम्मीद है, हमें कामना है कि हम नहीं है, पूरे हमारी टीम मेयर के साथ जितने पार्षद नौजवान हैं, कुछ काम करने का उनको उमंग है, हौसला अपने वार्ड के लिए। तो हमें उम्मीद है कि ये काम होगा, भागलपुर शहर एक नया शहर देखने को जरूर मिलेगा। भागलपुर शहर एक नया शहर देखने को जरूर मिलेगा। और क्या कुछ कहना चाहेंगे टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से आप भागलपुर के आम आवाम को? मैं अपने प्यारी आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें उन लोगों का भी सहयोग चाहिए। अगर उनका सहयोग नहीं रहेगा, हम लाख कोशिश कर लें, बहुत कामयाबी नहीं मिल सकती है। इसलिए स्मार्ट शहर के लिए हमारी जनता को भी स्मार्ट होना है और हमें उम्मीद है कि जनता हमें पूरा सहयोग देगी और हमें पूरी कामयाबी मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आप। ये थे डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन साहब, जो डिप्टी मेयर के रूप में जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है। और देखिए कि भागलपुर के जिलाधिकारी ने इन्हें शपथ दिलाया है और शपथ दिलाने के बाद अब भागलपुर के जिला पदाधिकारी महोदय निकलते हुए, और देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरों में आप कुछ बातचीत कर रहे हैं पत्रकारों के साथ। अब हम सीधे आपको ले चलते हैं भागलपुर के जिला पदाधिकारी महोदय ने, जिन्होंने आज ओथ दिलाया है यहाँ पर मेयर को और डिप्टी मेयर को। सर क्या कहना चाहेंगे आज? शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और सारे जितने भी सदस्य हैं, वार्ड पार्षद हों, मेयर हों, डिप्टी मेयर हों, सभी को शपथ दिला दिया गया है। भागलपुर नगर निगम के अतिरिक्त जो अन्य नगर निकाय हैं
वहाँ भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है, संभवतः संपन्न भी हो गया होगा। तो पूरे जिले में ये जो शांतिपूर्ण तरीके से ये जो पूरा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है ये आज थोड़ी देर में संपन्न हो जाएगा। सर, चुनाव से लेकर के शपथ ग्रहण तक बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे में भागलपुर के लोगों को टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से? शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है। चुनाव में जितने भी हमारे चुनाव कर्मी लगे हुए हैं, पदाधिकारी, पुलिस कर्मी, पुलिस के पदाधिकारी, सभी लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराया है। कंट्रोल रूम में भी आप देखेंगे तो शिकायतें बहुत कम आई है, पूरी पारदर्शिता हम लोगों ने बरती है और किसी तरह की कोई मेजर शिकायत जो है वो हम लोगों को, चाहे भागलपुर नगर निगम हो या अन्य नगर निकाय है, कहीं पर कोई शिकायत नहीं मिली। काउंटिंग भी बहुत अच्छे से हुई, इस बार OCR टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ तो बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो चुनाव और मतगणना, शपथ सब कुछ संपन्न हुआ। थैंक यू सर से बात करने के लिए। ये थे भागलपुर के जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह, जिन्होंने कहा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, मतगणना का कार्य संपन्न हुआ और शपथ ग्रहण भी हो गया। हमारे साथ भी मौजूद हैं भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहाँ पर, जो समीक्षा भवन में आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था और अभी अभी जिला पदाधिकारी महोदय के निकलने के बाद जो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे थे सदर अनुमंडल पदाधिकारी, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और हम उनसे सीधे जानेंगे किस तरह से जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, किस तरह से इन तमाम चीजों को लेकर के वो लगातार सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो क्या कुछ आज यहाँ पर रहा है समीक्षा भवन में, वो तमाम चीजों पर जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से। आप सीधी तस्वीरों में देख रहे थे क्या समीक्षा भवन में जो शपथ ग्रहण समारोह था मेयर और डिप्टी मेयर का, वो हुआ है और अभी जिला पदाधिकारी महोदय ने भी कहा है। हमारे सर सीधे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय हैं, सर आज शपथ ग्रहण भी हो गया अब? हाँ, देखिए सब कुछ जो बहुत ही शांतिपूर्वक से नगर निगम का चुनाव हुआ है, चाहे फिर पूरे अनुमंडल क्षेत्र में जो भी नगर परिषद या नगर पंचायत का चुनाव होना था, बहुत ही बिना किसी भी एक घटना के हम लोगों ने बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका चुनाव करवाया है DM सर के सुपरविजन में, और आज शांतिपूर्वक शपथ ग्रहण भी हो गया है और निश्चित रूप से अब सभी लोग अपना कार्यभार संभालेंगे और आगे की कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया बात करेंगे सर। ये थे भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, जिन्होंने कहा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब चीजें संपन्न हुई है और सब आज शपथ ग्रहण भी हो गया है और समर्थकों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गेट के बाहर अभी भी मौजूद है। कुछ पार्षद जो शपथ ग्रहण जिन्होंने किया है वो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। मोंटी जोशी हैं, अश्वनी जोशी मोंटी, बताइए अब तो शपथ ग्रहण हो गया, बधाई सबसे पहले आपको टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से। थैंक यू सो मच आपको और डिप्टी मेयर और सभी 51 पार्षदों की जो टीम है वो बहुत सशक्त टीम है। सभी 51 पार्षदों से मिलने का अवसर मिला और ऐसा लग रहा है जो उत्साह और जो उमंग है भागलपुर की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। मेयर और डिप्टी मेयर के नेतृत्व में सभी पार्षदों की टीम और बहुत अच्छा काम करने वाली है और मुझे लगता है कि जो जनता ने हमें मौका दिया उसका हम बहुत अच्छे से काम करके उसका बदला दिखाएंगे। अपने वार्ड की जनता को अब क्या कहना चाहेंगे? हम अपने वार्ड की जनता को आज जो है सलाम और सल्यूट करते हैं कि आज उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद रूपी ये जिम्मेवारी दी है वार्ड पार्षद की, उस जिम्मेवारी को पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ वार्ड संख्या 38 का चौमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए मैं सोमवार से सदन जाना शुरू होना है। सोमवार से जब सदन जाएंगे सदन में सिर्फ वार्ड 38 की जो मूलभूत समस्या है उस मूलभूत समस्या के लिए हम काम करना शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और एक बार फिर से आपको बहुत बधाई, धन्यवाद। ये थे अश्विनी जोशी मोंटी और पंकज कुमार हैं जी। पंकज जी, जीत की बधाई आपको और आपने शपथ भी ले लिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई और शपथ ग्रहण आज हमारे लोग का हो गया है। 16 तारीख को 2 बजे हम लोग को नगर निगम कार्यालय जाना है और हम लोग को पदभार ग्रहण 2 बजे लेना है, चूँकि शुभ मुहूर्त है, मैडम का कहना था शुभ मुहूर्त में ही पदभार ग्रहण लेना है और इस बार युवा की बहुत ही युवा ब्रिगेड इस बार नगर निगम में है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मेयर निर्वर्तमान में जो इससे पहले थी सीमा शाह, पूर्व मेयर अब हो चुकी हैं वो, उनके ही वार्ड में जहां से वो चुनाव जीती थी उसी वार्ड से आपने चुनाव में जीता है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपकी। जी, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। काम कीजिएगा इस बार, काम करना नहीं है करके दिखाना है, क्योंकि इस बार हमने एक संकल्प लिया है कि हमारे वार्ड के जनता ने नेता नहीं बेटा को चुना है और इस कार्य को करके दिखाना है। जनता ने नेता नहीं बेटा चुन के जिताया है और हमारे साथ एक और पार्षद जिन्होंने शपथ लिया, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, क्या कहना चाहेंगे अब जी शपथ ग्रहण के बाद? शपथ ग्रहण के बाद हम यही कहना चाहेंगे जिस वार्ड से हम जीते हुए हैं वार्ड 18 से, वहाँ पर हमारा एक क्षेत्र है गोलाघाट, वहाँ पे जो है स्लम एरिया है उसमें हम लोग को काम करना है, पानी की समस्या है,
वहाँ सबसे पहले तो पानी की समस्याओं को दूर करना है, क्योंकि वहाँ की महिलाएं हैं दूर दूर जाती हैं पानी लेती हैं, कभी कभी ऐसा समय आता है कि पानी भी नहीं मिलता है। दूसरा वहाँ पे गंदगी भी है, उसको हम लोगों का प्रयास करना है कि वो गंदगी दूर हो। और हमारा एक बूढ़ा नाथ और गोलाघाट के बीच में एक पुलिया है जो बाढ़ के समय में बहुत दिक्कत आती है वहाँ के लोगों को, तो उसको सुधारने का, उसको बनाने का हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा। चलिए एक बार फिर सबको बहुत बहुत बधाई। तो वार्ड में जो भी काम है उन कामों को करने की बात करी नंदिकेश शांडिल हमारे साथ, जीत की बहुत बहुत बधाई। अब वोट ले लिया आपने? जी भैया। किस तरह से देखते हैं अपने पूरे चुनाव कैंपेन से लेके अब शपथ ग्रहण भी हो गया? अब तक तो एक शौक था, एक जुनून था समाज सेवा, लेकिन अब ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। अब इससे भागना तो छोड़िए, मुंह लोग अक्सर जीत कर नजर नहीं आते हैं, लेकिन आप एक बार ग्राउंड रिपोर्ट फिर से लेंगे जाकर। हमारी जनता हमसे रोज मिलते हैं, हम रोज जाते हैं, किन की शिकायत है, कहीं पानी लीकेज है, कहीं कुछ। अब तक जो उन्होंने समस्या जाना था वार्ड का, बस यही समस्या जाना था, इसके ऊपर उठकर किसी ने कभी बताया नहीं जनता को कि ये काम भी एक पार्षद कर सकते हैं। रही बात योजनाओं की, तो हमारे महापौर और उप महापौर इस बार शिक्षित वर्ग से आ रहे हैं। पूर्व में भी अच्छे महापौर थे, लेकिन इस बार हमारा कार्यकाल भी उनके ही साथ जुड़ा हुआ है। तो आशा करते हैं और उम्मीद भी ये रखते हैं कि इनका हमें भरपूर सहयोग मिलेगा ताकि वार्ड का समुचित विकास हो पाए। चलिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत जीत की बधाई और शुक्रिया। धन्यवाद। नंदिकेश शांडिल जी थे और हमारे साथ एक और पार्षद जुड़ गए हैं। जी बताइए, अब जीत के बाद शपथ ले लिया है अपने, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं अपने वार्ड की जनता को कहना चाह रहा हूँ कि जिस विश्वास के साथ आपने हमें चुना है, मैं आपके विश्वासों पर 200% खड़ा उतरूंगा। चाहे हमारी वार्ड की पानी की समस्या हो, वृद्धा पेंशन हो, जिन घरों में राशन कार्ड की समस्या रही है जिनको नहीं बन पाया है, मैं सभी समुचित व्यवस्था करवा करके आप सभी वार्ड के जन जन तक कल्याण करने का कोशिश करूंगा। अपने वार्ड की जनता को अब क्या आश्वासन देना चाहेंगे? अब आप चूंकि आपने शपथ ग्रहण कर लिया है, आज से अब आपका कार्यकाल शुरू हो चुका है। जी मैं जिस तरह आप लोगों के डोर टू डोर वोट मांगने के लिए भी गया हूँ, इस तरह आपको मेरे दरवाजे पर नहीं, मैं आपके ही दरवाजे पर आ करके आपकी जो भी समस्या का हमारे लोग निदान करना होगा, आपकी समस्याओं को वो मैं हर पर कर पाऊंगा। काम कीजिएगा ना। जी जरूर। अपना परिचय बता दीजिए एक बार। जी अमित कुमार ट्विंकल मेरा नाम हुआ, वार्ड नंबर 36 से जनता द्वारा मतों से मैं जीत करके आया। तो वार्ड 36 के पार्षद है, इन्होंने कहा है कि लोगों को अब भी इनके दरवाजे पर नहीं आना। जिस तरह से ये वोट मांगने के लिए लोगों के घर घर तक जा रहे थे, अभी भी वो लगातार लोगों के घरों पर ही जाएंगे। ये तमाम चीज और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि समीक्षा भवन से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। और एक दुखद खबर जो है राजनीतिक गलियारे से, वो हम कह सकते हैं कि भारत के पूर्व मंत्री और लोहिया आंदोलन के सिपाही रहे शरद यादव जी अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका कल देर रात निधन हो गया है। तो ये एक दुखद खबर है राजनीति के मैदान से। लेकिन भागलपुर के अगर हम यहाँ समीक्षा भवन की बात करें, तो भागलपुर के समीक्षा भवन में हम एक बार फिर से आपको ये बता दें कि यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर और तमाम जो नए पार्षद चुन करके आए हैं उन्हें शपथ ग्रहण करा दिया गया। भागलपुर के जिला पदाधिकारी महोदय ने शपथ दिलाया है, ओथ दिलाया है, और ओथ लेने के बाद सब ने एक सुर से कहा है कि विकास ही उनका एकमात्र एजेंडा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं जो उनके समर्थक हैं मेयर के, डिप्टी मेयर के, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अब वो कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव में। जब चुनाव में जीत हासिल हुई है तो कुछ जो समर्थक हैं उन समर्थकों के पास हम चलते हैं और उन समर्थकों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ समर्थक बताइए इस बार सर। डॉक्टर वसुंधरा लाल चुनाव जीत गई हैं, आप लोगों ने काफी मेहनत की। जी 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 जी, ये पहली बार जो है जनता ने खुल के साथ दिया और विकास के लिए साथ दिया। किसी प्रकार का यहाँ पैसे का जो खेल पहले होता था, इसके कारण विकास कार्य जो बाधित होता था, अब सभी जनता को आशा है कि हमेशा ये विकास बहुत अच्छा रहेगा। हम लोगों ने सभी ने उनका स्वागत किया है, एक एक आदमी का, एक एक आदमी का सहयोग किया है और सबने अपना जो है समर्थन दिया है। और उनके समर्थन से आज भागलपुर में नई मेयर ने जो जनता की वोट से चुनी गई, क्योंकि अब साफ साफ कहा है कि पैसे का खेल इस बार नहीं हुआ है और पैसे को लेकर के कहीं से भी कोई बात नहीं है, और इस बार आम लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर को चुना है और सभी पार्षदों को चुना है। और एक बार फिर से इन तमाम लोगों ने जो चुनाव जीत कर आए थे उन्हें आज ओथ दिलाया गया है, शपथ दिलाया गया भागलपुर के जिला पदाधिकारी के हाथों। और जिला पदाधिकारी ने कहा कि सब कुछ शुरू से चुनाव
संपन्न हुए और चुनाव के बाद मतगणना का कार्य भी बहुत सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और शपथ ग्रहण का कार्य भी हो गया। अब आज से इन लोगों का कार्यकाल शुरू होता है। भागलपुर की प्रथम नागरिक डॉक्टर वसुंधरा लाल और सलाउद्दीन हसन डिप्टी मेयर और उनके साथ सभी 51 वार्ड पार्षदों ने आज शपथ ले ली है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे भागलपुर के समीक्षा भवन से। सीधी हमारे साथी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर।